ज्योमेट्री को समझने के लिए बेसिक जानकारी सबसे पहले ज़रूरी है, जिससे हम आगे चल करके जो शब्द यूज होंगे उनके बारे में हम तुरंत समझ जाएं, समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उन बेसिक्स के बारे में आपको बता दें, जैसे जिन शब्दों का यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे बिंदु, पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट पेंसिल डॉट जहाँ पर रखा जाता है उस डॉट में लेंथ और ब्रेथ नहीं के बराबर होनी चाहिए, मिनिमम हो, वो सबसे अच्छा बिंदु होता है। और जब कई बिंदु, यानी बिंदु को लुढ़काइए, चलाइए, तो जब बिंदु चलता है तो बनती है लाइन। तो लाइन क्या है, बिंदु क्या है? देखिए, जैसे बिंदु है ये, और जब बहुत सारे बिंदु एक में मिला दिए जाएं तो बन जाती है एक लाइन। यह है लाइन। फिर रे क्या है? फिर रे एक साइड तो अनलिमिटेड होती है, एक जगह फिक्स होता है, ये रे कहलाती है। फिर रेखाखंड क्या है? रेखाखंड है ये जो लाइन थी, इसके बीच में दो फिक्स पॉइंट कोई है, एक्स और वाई, तो इसको कहते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको, ये रेखाखंड होता है। ये रे है, किरण कहते हैं हिंदी में, और ये लाइन है, रेखा है, जो अंत तक चलती रहती है। तो इस तरीके से ये लाइन की बेसिक जानकारी है। और उसके बाद देखिए, बहुत सारी लाइनें और होती हैं, जैसे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? एक लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइनें चाहे आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, कहीं भी उनको मिलाया ना जा सके, वो आपस में मिलेंगी कभी नहीं, तो हम उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। और जब इसको एक तीसरी रेखा, तीसरी लाइन जब काट देती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा। और इस त्रियक रेखा में कुछ बातों को और समझते चलें, जैसे ये यहां पर जो ये एंगल बनता है और ये एक एंगल ये बनता है, तो ये अपोजिट एंगल कहलाता है। ये इसका अपोजिट एंगल है। फिर प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन खींची हुई है और उसको दूसरी लाइन ऐसे कट करे, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो लाइनें एक दूसरे से मिलने लगती हैं, जैसे ये लाइन है और यहां पर एक दूसरी लाइन आकर के ऐसे मिल जाती है, तो इस लाइन को ये आर्म कहलाती, भुजाएं होती हैं, और इसके बीच में जो एंगल बनता है, ये स्लोप, ये जो झुकाव होता है, दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है, उसको हम कहते हैं कोण, एंगल कहते हैं। और जब ये झुकाव 90 डिग्री से कम होता है, जैसे ये एंगल एक्स है और ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इसको कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और यही कोण अगर ये 90 डिग्री का हो जाए, एक्स है और ये इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम इसको कहते हैं समकोण, राइट एंगल। और अगर यही कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए, ये एक्स है और एक्स कोण 90 डिग्री से अधिक है, ज्यादा है, मोर देन 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो इस तरीके से ये कोण है। लेकिन फिर और बढ़ाइए, एंगल के सारे टाइप्स समझिए, कि जब ये एंगल 180 डिग्री का होता है, जब ये एंगल 180 डिग्री का हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, ये होता है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, यहां से चले ऐसे यहां तक होता तो 180 होता, 180 से भी प्लस कर गया, तो ये एक्स है और ये 180 से ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्री, तब इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और यही एंगल और बढ़ाइए, अगर यहां से चले और ये एंगल होता हुआ इसी लाइन के ऊपर फिर से आ जाए, तो ये कंप्लीट एंगल होता है, ये एक्स है, तो ये 360 डिग्री का होता है। जब ये एंगल 360 डिग्री का होता है, तब इसको हम कहते हैं संपूर्ण एंगल, संपूर्ण कोण,
कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको। अब और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके बारे में जानकारी होनी है, आइए देखते हैं। जैसे एक शब्द यूज होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग क्या है? जब पैरेलल लाइन होती है दो, तो ये एंगल इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एक और आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? ये लाइन है और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये जो तीसरी रेखा काट रही होती है इस त्रिभुज रेखा को ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इसमें ये एंगल इस एंगल को, ये एकांतर कोण कहलाता है, ये अल्टरनेट एंगल होता है। अब सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या है? जब दो एंगल का सम 180 हो जाए, एक एंगल और इधर का ये एक स्ट्रेट लाइन में जाए, दो एंगल को मिला दीजिए तो एक पूरा कंप्लीट एक सरल रेखा बन जाती है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। और अगर कभी कभी ऐसा होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये एक्स है और ये वाई है, और एक्स और वाई को अगर मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री आता है, तो हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अपोजिट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, सारे एंगल्स एक साथ आपने जाने और लाइन के बारे में जाना, रेखाओं के बारे में जाना। अब इसको जब जानकारी ले करके इसको एक बार अच्छी तरह वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम इसके बड़ी बड़ी प्रयोग थ्योरम और ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। और जिन चीज़ों को अभी नहीं बताया जा सका है, जब बताते समय जिन चीज़ों की ज़रूरत होती होगी उसको हम तुरंत बताते हुए समझाते हुए चलेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहें भी तो कमेंट भी कीजिए, हम इसे देखेंगे, समझेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।